नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से। मेरा नाम है अभिनव तुषांशु पांडे और हम लोगों ने चर्चा शुरू कर ली थी प्रकाश के बारे में। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखी, ये हमारे एक जनरल परसेप्शन को, हमारे एक जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है। दूसरी चीज़ ये है कि क्लास टेंथ में भी प्रकाश की है और क्लास ट्वेल्थ में भी प्रकाश की है, मतलब लाइट से आपको दोनों बोर्ड कक्षाओं में जूझना है। यहाँ पर हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उससे जुड़े हुए तथ्यों को डिस्कस करेंगे। आप चाहे टेंथ में हो या ट्वेल्थ में हो, दोनों बार ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीज़ें लिख कर सीखें ताकि आपको फ़ायदा होता रहे, और अभिप्सा के प्लेटफॉर्म में इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहती हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सबसे पहले हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा वहाँ से आप हमारे एप्लीकेशन में आएँ और वो सारी चीज़ें डिस्कस करें, देखें और सीखें जो आपको बोर्ड परीक्षाओं में आपकी अपनी भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता उठाई है हमारे इस टीम अभिप्सा ने। आपको बहुत सारे वर्ल्ड क्लास टीचर मिलेंगे, बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस्ड टीचर मिलेंगे जिनसे आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है। तो देर मत कीजिए, बिल्कुल विजिट कीजिए हमारा लिंक और अभी बात करना चालू करते हैं लाइट के बारे में। तो देखिए भाई, हम लोगों ने जो है क्या देखा था कि परावर्तन आखिर होता क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी जो है लाइट अपने ही प्रकाश अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है किसी वस्तु से टकरा के जो कि अपारदर्शी हो, तो हम लोग उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन आज जो हमें सीखना है उसमें जो है बात यह है कि क्या ये परावर्तन किसी स्पेसिफिक नियम को, किसी विशेष नियम का पालन भी करता है, और इसी बारे में जो है हमारी चर्चा का विषय होगा। हम सीखेंगे परावर्तन का नियम, फिर दर्पण को घुमाने से क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, एक दूसरे से झुके हुए बर्तन से, दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, ये भी बातें हम लोगों को डिस्कस करनी है। हम गोलीय दर्पण देखेंगे, उसके अंगों को देखेंगे और परावर्तन के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप डायग्राम बनाएं, अच्छे से बनाएं और चीज़ों को जो है जब तक समझ में ना आए तब तक सोचते रहें, ये जरूरी है। चलिए देखते हैं समतल दर्पण से परावर्तन आखिर होता कैसे है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक वस्तु है। अब भाई ये दर्पण है, इसलिए जिस तरह जिस दिशा में जो है दर्पण में चांदी की परत चढ़ाई जाएगी उसको हम जो है इस तरीके से दर्शाएंगे। आपकी पुस्तक में या आपके परीक्षाओं में आपको इसी तरीके से काम करना है, और ये परावर्ती सतह हो गई। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई दर्पण से जो है ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब ये सीधी आकर टकराने वाली रेखा अपनी ही दिशा में जो है क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। दूसरी जगह यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होने वाला है। तो यहाँ पर आपतन कोण इस तरीके से और परावर्तन कोण इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब यहाँ से किरण टकराने के बाद इधर गई तो यहाँ पर खड़े हुए व्यक्ति को क्या नज़र आएगा, भाई यहाँ से खड़े हुए व्यक्ति को नज़र आने वाला है कि ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है। उनको इसका स्रोत नहीं पता तो उसको ऐसा लगेगा कि प्रकाश की किरण आईने से इस तरीके से बाहर निकलने के बजाय पीछे की ओर वहाँ से आ रही है, और इस प्रकार से जो है अब आपको जो है यहाँ से आती हुई किरण नज़र आ रही है, क्योंकि ये वाली किरण वापस लौट गई, उसे देखकर लगता है कि वो यहाँ से आ रही है, और इसी तरीके से इस किरण को देखकर लगता है कि वो ऐसे आ रही है और हमको यहाँ पर प्रतिबिंब नज़र आता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे प्रतिबिंबों के, ये प्रतिबिंब है कैसा। अच्छा आप बताइए कि क्या वास्तव में ये दोनों किरणें यहाँ से निकल रही हैं, नहीं, दर्पण के इस पार अंदर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक मिलने से नहीं बन रहा हो, बल्कि ऐसा प्रतिबिंब जिससे किरण आती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसा प्रतिबिंब जो कि वास्तव में किरणों के मिलने से नहीं बन रहा है वो आभासी प्रतिबिंब है। अच्छा यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारी जो वस्तु है इसका सिर ऊपर है और यहाँ पर भी ये सिर ऊपर ही नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आभासी प्रतिबिंब और वस्तु जो है हमारे, उन दोनों का जो है जो झुकाव होता है वो एक जैसा होता है, ऊर्ध्व होता है।
तीसरी चीज़ क्या है कि क्या हम इसे छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, आप दर्पण के अंदर तो हाथ घुसा ही नहीं सकते ना, लेकिन जब आप दर्पण के सामने खड़े हुए हैं तब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। मतलब एक आपका आभासी प्रतिबिंब है जो दर्पण के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है आप बोल सकते हैं कि हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास में क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी देखेंगे। चलिए, अब आपके पास में प्रश्न कैसे हैं ये देखिए। हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रकाश की आपतित किरण है। देखिए ये आपको दो यहाँ पर दर्पण नज़र आ रहे हैं, उसमें से एक दर्पण की हम बात करेंगे, आप ये वाले दर्पण की बात कीजिए। अब क्या हुआ कि ये दर्पण है और इस दर्पण के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस दर्पण के लिए हम लोगों ने एक अभिलंब खींचा। हम लोगों ने देखा था कि हम हमेशा क्या करते हैं, अभिलंब से ही सारे कोण नापते हैं। तो ये अभिलंब हम लोगों ने खींचा और ये देखिए ये कोण आई हो गया। अब ये आई कोण जो है यहाँ से टकरा करके और आर कोण बनाता हुआ यहाँ पर हमें प्रतिबिंब नज़र आ रहा है। लेकिन यदि हम लोगों ने किरण को नहीं बदला बल्कि अपने दर्पण को ही पलट दिया, अपने दर्पण को ही पलट दिया का क्या मतलब है, हम लोगों ने दर्पण को घुमा दिया कुछ इस तरीके से, अब आपको घुमा हुआ दर्पण नज़र आ रहा है। और दर्पण को कितना घुमाया गया है, तो दर्पण को घुमाने के लिए थीटा कोण से घुमाया गया है। अगर मैं दर्पण को थीटा कोण से घुमाऊँगा तो अभिलंब भी थीटा कोण से झुक जाएगा। अब इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ देखिए कि आपतित किरण जो पहले आई था, आपतित किरण जो पहले आई था, अब उसमें क्या हो गया, उसमें अंतर आ गया और ये आई प्लस थीटा, मतलब इसमें थीटा कोण, इसमें थीटा कोण जुड़ गया। अब क्योंकि ये जो है नया आपतित कोण है, आपतन का कोण है, नया आपतन कोण का कैपिटल आई ले लेते हैं, तो नया परावर्तन का कोण आर भी क्या होगा, वो भी आर धन थीटा होगा। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि दर्पण को थीटा कोण से घुमा देने पर जो रेखा, मतलब जो परावर्तित किरण है, वो दो थीटा कोण से झुक जाती है। ये दर्पण को हम लोगों ने सिर्फ थीटा झुकाया, लेकिन जो परावर्तित किरण है, नई परावर्तित किरण, वो दो थीटा कोण से झुक गई। यही चीज़ हमको समझनी थी। आप लोगों ने फिर हेरा फेरी पिक्चर देखी होगी, चार्ली चैपलिन का भी जो है दर्पणों के साथ में बहुत अच्छा वीडियो आया हुआ था, अब आप उसको याद कीजिए। यहाँ देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वास्तव में सिर्फ दो जानवर खड़े हुए हैं और बाकी के सारे प्रतिबिंब हैं। और अगर आपसे मैं जो है ये पूछूं कि इन दर्पणों के बीच में कोण कितना होगा, तो शायद आप अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि इन दो दर्पणों के बीच का कोण 90 अंश होगा। अब हमारा प्रश्न ये है कि यदि हम दो किन्हीं भी दो समतल दर्पणों को किसी भी कोण पर झुकाते हैं तो क्या उनके बीच के बनने वाले कोण के हिसाब से प्रतिबिंबों की संख्या बदलती है, क्या घटती है या बढ़ती है? तो इस प्रश्न का जवाब है कि हाँ, जब भी हम दो समतल दर्पणों को थीटा कोण से एक दूसरे से झुकाते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास में एक सूत्र है और वो बताता है कि कुल मिला के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यहाँ पर जो है यदि हम थीटा कोण मान लेते हैं कि 60 अंश का कोण बनाता हुआ दो दर्पण रखते हैं जो समतल दर्पण हैं, तो हम क्या करेंगे, एन का मान निकालने पर हमको क्या मिलेगा, एन बराबर 360/60। और यहाँ से जो है हमको कितना मिल गया, यहाँ पर हमको 6 मिल गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से हम जो है कुल मिला के बनने वाले प्रतिबिंबों की गणना करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि n सम संख्या है तो फिर जो है कुल मिला के जो जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे उसमें हम एक प्रतिबिंब की गिनती कम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आई। आगे बढ़िए और अब देखते हैं हम गोलीय दर्पण का मतलब क्या है। आप जैसे कि मछली को रखने के लिए हम एक गोल कांच का जो है बर्तन लेते हैं, फिश बोल लेते हैं, उसी प्रकार से आप मान लीजिए कि एक गोला है। अब इस गोले को मैं दो प्रकार से काट सकता हूँ, मतलब क्या हुआ कि इस गोले को मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ और यहाँ से भी काट सकता हूँ। अगर मैंने इस गोले को यहाँ से काटा और इसके बाद में इस वाले हिस्से पर चांदी की परत चढ़ा दी, तो ये अंदर से खोखला गोला कैसा दिखेगा। पहली बात तो आप समझिए कि नारियल का गोला, नारियल के
नारियल को तोड़ने के बाद में अंदर से नारियल हटा दो तो जो हिस्सा बचता है वो चमकीला हो, तो जैसा चम्मच दिखाई देता है उस तरीके से हमको चमकीला वाला गोला दिखाई देगा। इसी प्रकार से यदि हम अंदर की सतह पर चांदी की परत चढ़ा दें तो हमको जो है बाहर उभरा हुआ गोला नज़र आएगा, जैसे कि सीढ़ियों में जो स्टील की रेलिंग लगी होती है वो चमकता है गोल, तो इस प्रकार से। या फिर पार्टी बलून, जब आप लोगों ने देखा है कि हम लोग गुब्बारे जो कि सिल्वर कलर के दिखाई देते हैं वो बाहर से जैसे चमकीले दिखाई देते हैं, ये वैसा चमकीला गोला दिखेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आपके पास में ऐसा, ये बाबा जी का नहीं है, ठीक है, आपके पास में इस प्रकार से चम्मच के अंदरूनी हिस्से का गोला, उस प्रकार का एक दर्पण आ सकता है, और आपके पास में गुब्बारे जैसा चमकीला बाहर से दर्पण जो दिखाई दे उस प्रकार का दर्पण हो सकता है। इन दोनों गोलों के बारे में अगर बात की जाए तो ये दोनों एक, ये गोलीय दर्पण जो है वो एक पूरे गोले का हिस्सा है और एक गोले का अपना एक केंद्र होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम के अलग अलग प्रकार के दर्पणों के बारे में और उनके अलग हिस्सों के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दर्पण के पास में क्या क्या होता है। चलिए, तो हमारे पास में जो है दो प्रकार के दर्पण हैं, एक जिसके बाहर की ओर पॉलिश की जाए, और इसे हम क्या बोल सकते हैं भाई, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब होता है अवतल, ठीक है। और अगली बात क्या है, इस प्रकार के दर्पण को जिसके अंदर पॉलिश की हो और चमकदार सतह बाहर हो, इसे हम क्या कहते हैं, कॉनवेक्स, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्तल। जिसका तल बाहर निकला हो वो उत्तल है, जिसका तल अंदर घुसा हुआ हो वो अवतल है। अगर आप सांप को सामने से देखते हैं तो उसका जो है ये फन वाला हिस्सा वो अवतल है, समझ रहे हैं, और अगर आप लोटे को बाहर से देखते हैं तो वो उत्तल है, ठीक है। अब इसमें जो है जिस गोले से इसे काटा गया है उसका केंद्र होगा, इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ध्रुव क्या होता है, यहाँ जो भी काटा हुआ गोला है इस गोले का जो ज्यामितीय केंद्र होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। मतलब भाई हम लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन लेकर वो हम अपना दर्पण इतना बड़ा भी काट सकते हैं, हम इतना छोटा भी काट सकते हैं, तो जो भी बड़ा या छोटा जो भी दर्पण हो उसके बीचों बीच की ज्यामितीय जगह जो है उसे हम ध्रुव कहेंगे। अब अगली बात क्या है, द्वारक। भाई मान लेते हैं कि आप लोगों ने डिश टीवी देखा, डिश टीवी लगभग इतना बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद में आपने और बड़े भी ऐसी छतरियां देखी होंगी जो टीवी सिग्नल या इंटरनेट के लिए यूज़ होती हैं, तो टीवी सिग्नल के लिए और बड़ी छतरी यूज़ होती है और इंटरनेट के लिए एकदम छोटी सी छतरी यूज़ होती है। अच्छा, अगर आपको ये उदाहरण समझ ना आए तो आप देखिए कि आपके पास में एक छोटी सी टॉर्च होगी जिसे आप चार्ज में लगाते हैं, छोटी सी, तो उसका जो मुंह होता है वो छोटा सा होता है। उसकी बजाय जो है अगर हम बड़े वाले फोकस लाइट की बात करें तो वो इतना बड़ा जो है फोकस होता है उसका। तो मतलब ये है कि दर्पण का जो आकार है उसको बदला जा सकता है, और उसके बदलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रकाश की मात्रा जो दर्पण में टकरा सकती है वो बदलती है। तो इस आकार को ही हम द्वारक बोलते हैं। यहाँ ए से लेके बी तक ये जो दूरी है वो द्वारक दूरी कहलाएगी। केंद्र के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, अब बात करते हैं फोकस। केंद्र और ध्रुव के बीच का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है एक विशेष खास बात होती है कि यदि प्रकाश की किरणें अनंत से या फिर मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई आएँ तो वो टकराने के बाद में फोकस से होकर जाती हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष वो काल्पनिक रेखा है जो किसी भी दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाती है, ये दर्पण के दोनों ओर मानी जा सकती है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो ये बात हम लोगों ने समझी। अब देखिए आगे, अब हमारे पास में प्रश्न है कि क्या को किसी गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के लिए भी कोई नियम है। तो उत्तर है बिल्कुल है। अब आप समझिए कि पहला नियम तो यही है कि यदि स्रोत अनंत दूरी पर स्थित हो,
यदि स्रोत अनंत दूरी पर स्थित हो तो आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब आप ये बात का अंदाज़ा लगाएं कि यदि आपके पास में, मतलब आपके पास में, घर के पास में कोई बाग बगीचा कुछ है और बहुत सारे जो है लोग खड़े हुए हैं, यहाँ बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, तो अब आप क्या देखेंगे कि उनके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सब के सब एक दूसरे के समांतर बनते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके जो है पेड़ों के प्रतिबिंब जो है वो अलग अलग दिशा में बन रहे हों। लेकिन अब आप एक काम कीजिए कि आप एक मोमबत्ती जला लीजिए और मोमबत्ती जला के आप 5-6 लोग उसको घेर के खड़े हो जाइए। आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि किसी का भी प्रतिबिंब जो है एक दूसरे की समांतर दिशा में नहीं बन रहा है। इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। मतलब ये है कि यदि आपके पास में प्रकाश का स्रोत बहुत पास हो तो ऐसे में क्या होता है कि प्रतिबिंब बनने की दिशा अलग अलग हो जाती है, या प्रकाश की किरणें जो है वो अपने एक दूसरे से बहुत सारा अलग अलग कोण बनाती हैं। लेकिन सूर्य जैसे अनंत दूरी पर हमसे स्थित है तो सूर्य से जो चलने वाला जो प्रकाश है वो जब पृथ्वी में पहुंचता है तो वो लगभग एक दूसरे के समांतर होता है, और इसीलिए जो हमारे पास में इनका जो शैडो बन रहा है, यानी कि इनका जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब भी एक दूसरे के समांतर ही रहेंगे। ये पहला नियम है। पहला नियम समझ में आ गया हो तो हम आगे देखेंगे। और अगला नियम क्या कहता है कि यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो, आपतित हो, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि भाई हम लोगों ने डिश टीवी, टाटा स्काई और ना जाने कितने सारे जो है इस तरीके के एंटीना देखे हैं, इस प्रकार की छतरी देखी है, और उन सारे छतरियों में एक खास बात यह है कि इस प्रकार की तस्तरी के आगे जो है ऐसा कुछ लगा रहता है, वो बिंदु है जहाँ पर फोकस होता है। तो अब क्या होता है कि प्रकाश की किरणें उस छतरी से आके टकराती हैं और उसके बाद में किसी एक विशेष बिंदु से ही जाकर गुजरती हैं। हम उसी बिंदु पर जो है सिग्नल रिसीवर लगा देते हैं और टीवी का सिग्नल हमें बहुत साफ सुथरा नज़र आता है। तो फोकस के बारे में आप लोगों ने समझा। अब उल्टा करके देखते हैं, यदि फोकस से ही प्रकाश की किरण गुजरने वाली हो तो वो टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और इसीलिए आप क्या देखेंगे कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट में या फिर जो है आपके टॉर्च में यहाँ बल्ब जो है रखा गया है, और ये बल्ब से निकलने वाला प्रकाश जो है वो, क्योंकि फोकस पर रखा हुआ बल्ब है तो इससे निकलने वाला प्रकाश उसके बाद में सीधी रेखा में गमन करता है। ये भी हमारे अनुभव की चीज़ है, ठीक है। और अंत में ये है कि केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की रेखा परावर्तन के पश्चात ठीक अपने रास्ते वापस लौट जाती है। अब ये क्या लॉजिक हुआ, इसके बारे में भी सोचना है। हमने कहा था कि किसी भी बिंदु पर, दर्पण के किसी भी बिंदु पर यदि हमें प्रकाश के नियमों की पुष्टि करना है तो सबसे पहले हम वहाँ पर स्पर्श रेखा बना देंगे, और स्पर्श रेखा बनाने के बाद में, स्पर्श रेखा बनाने के बाद में उसके लंबवत एक जो है रेखा खींचेंगे और उसको बोलेंगे अभिलंब, और लंबवत रेखा से फिर जो है हम प्रकाश के किरणों की, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये स्पर्श रेखा हो गई, और ये जो है क्योंकि केंद्र से होकर जा रही है मतलब ये त्रिज्या है, और त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा से 90° का कोण बनाती है, तो ये ही हमारा अभिलंब हो गया। और यदि प्रकाश की किरण अभिलंब से 0° का कोण बनाते हुए आए तो वो अपने ही रास्ते में तो लौटेगी। इस प्रकार से इस नियम की भी पुष्टि हो जाती है। आगे हम इन नियमों का उपयोग करेंगे और आगे हम और इसके आगे की चीज़ें सीखेंगे, जो कि है क्या, रेखाचित्र। तो रेखाचित्रों को सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगले वीडियो में ही आपको रेखाचित्र समझ में आएगा और हम बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।